सर आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की थी। सबसे पहले नमस्कार, मैं कृष्णनंदन प्रसाद गुप्ता, वार्ड 19 से मंडल अध्यक्ष और पूर्वांचल शक्ति जिला अध्यक्ष। मैं आम आदमी पार्टी में जब ज्वाइन की, अन्ना आंदोलन से मैं मतलब अरविंद केजरीवाल जी के साथ में हूँ जी। रामलीला मैदान में जब आंदोलन हो रहा था अन्ना जी का जी। तब से मैं आंदोलन में भी गया था, लेकिन पार्टी उस समय नहीं बनी थी जी। लेकिन उसके बाद में हम लोग अपने अपने कामों में लगे, बिजनेस में लग गए। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ, तब से मनीष जी हमारे क्षेत्र में आए, तब से मनीष जी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम सुना था हम लोग, तो उनके साथ में हम लोग उस समय में शुरुआती हमारा राजनीति का यही है। तो हम इनके साथ में क्यों आए, क्योंकि हमें लगा कि एक ईमानदार आदमी है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी। तो हम इसलिए आए कि कुछ नया हमारे क्षेत्र में, कुछ नया हो जी। दिल्ली में कुछ नया हो, क्योंकि कांग्रेस की बीजेपी के दोनों सरकार को हम लोग देखते आ रहे हैं। 35 साल हो गए हमें दिल्ली में आए हुए, हम एक बिहार से बिलोंग करते हैं जी। 1989 में हम दिल्ली में आए थे, चंदर विहार में। चंदर विहार में उस समय से हम देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति चल रही है यहाँ की। तो इसीलिए उसके बाद में हम लोग मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी को साथ देने का फैसला कर लिया कि हम और हमारे पूर्वांचल समाज को इनके साथ देंगे। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो 49 दिन की सरकार बनी। उस समय में भी लोगों ने देखा कि कैसी सरकार चल रही है। सरकार गिरी फिर बनी, हम लोग जो अपने जी जान से जिताए पार्टी को। और आज के डेट में दिल्ली क्या, पूरा दुनिया देख रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार क्या कर रही है। और इसी के देखते हुए हम लोग आगे के लिए ही फैसला किए हैं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल जी को साथ देंगे। एक ईमानदार सरकार चल रही है इनकी, और इनकी छवि आगे भी बहुत बढ़िया चलेगी, अभी चल भी रही है। हम लोग इनको, इनके कामों से बहुत खुश हैं, इसलिए इनके साथ दे रहे हैं। तब से हम इनके साथ में राजनीतिक में अभी तक जुड़े हुए हैं। कृष्णनंदन साहब, आपने जैसे कि जिला अध्यक्ष हैं पूर्वांचल शक्ति के, तो आपने किस तरीके से पूर्वांचलों को इकट्ठा किया, जोड़ा, और अभी तक का आपका सफर कैसा रहा और आपने क्या किया मुख्य रूप से, और आगे वाले दिनों में आपकी क्या तैयारी है? हम लोग एक जैसे होता है कि ईमानदार काम के लिए, ईमानदार सरकार के लिए जी, लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है जी। तो हम लोग घर घर गए, सब लोगों से मिला। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी कामों में के लिए लोगों को बताया कि आप अरविंद जी का साथ दीजिए। आप पब्लिक को सब ये समझाया कि देखिए अरविंद जी क्या कर रहे हैं दिल्ली में, क्या नहीं कर रहे हैं। और रहा जिला अध्यक्ष की बात, तो जिला अध्यक्ष जब हमें बनाया गया तो हमारे कामों को देख के ही बनाया गया कि हम अपने ईमानदार सरकार के लिए क्या कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल रहेगा कृष्णनंदन साहब, अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं जी, आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम तो अभी पार्टी का जो आज्ञा होगा वो करेंगे हम जी। जी, क्या आप भी मैदान में उतरना चाह रहे हैं, आपकी भी तैयारी है? कोशिश तो कर रहे हैं, तैयारी भी चल रही है अपनी, बाकी पार्टी का हमारे जो निर्णय होगा उसके साथ हैं हम। आप अगर तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी कुछ अलग कार्यों को करने के लिए जानी जाती है जी। अगर आपको पार्टी मौका देती है, जनता भी आपको सपोर्ट करती है, तो सबसे पहले 5 बड़े काम क्या करना चाहेंगे, क्या अलग करना चाहेंगे आप, जिस तरीके से पार्टी अलग काम करने में जानी जाती है पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में? हमारे यहाँ हम तो अभी 8 साल से हमारी सरकार चल रही है जी, तो 8 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे वार्ड में क्या चीज़ का दिक्कत है, जो कि निगम पार्षद आज तक न कर रही है न करने दे रही है हमारे सरकार को जी। जैसे बरात घर हो गई जी, ये आपका डिस्पेंसरी हो गई जी, ये सब की यहाँ बहुत आवश्यकता है जी। लेकिन यहाँ ना एमसीडी वाले कर रहे हैं खुद, ना हमारे पार्टी को करने दे रहे हैं जी। जब सबसे पहला बरात घर को बनवाना चाहेंगे और स्वास्थ्य के लिए आपने बताया कि स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, चिकित्सा की डिस्पेंसरी की प्रॉब्लम है जी, ये दो मुद्दे हो गए जी। तीसरा क्या करेंगे? तीसरा हमारे यहाँ
सर सफाई की बहुत दिक्कत हो रही है, साफ सफाई पर ध्यान देंगे, बहुत सर सफाई पर ध्यान देंगे। हमारे पब्लिक के किसी काम के लिए यहाँ कोई आता है, पुलिस वाला जाता है कि नहीं हमें इतना दीजिए तो हमें आपका काम होने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लिंटर होता है, लिंटर के लिए बहुत ये भ्रष्टाचार बना रखे यहाँ के एमसीडी सरकार ने। जी अच्छा, लेंटर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लगाना चाहेंगे। जी जरूर। जी आपको जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या जनता से हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि एक ईमानदार सरकार का साथ दे और एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी का सरकार बनाने में मदद करे और उनका साथ दे।